हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्यूपिड शेयर के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे कंपनी की जो फाइनेंशियल डिटेल है वो इस वीडियो में देखने को मिलेगी। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको वीडियो की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हम हर क्वार्टर यहाँ पे जो Q4 की अर्निंग है वो हम इस चैनल में कवर करने वाले हैं, तो अपडेट होने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है। यहाँ पे बात करें क्यूपिड के स्टॉक की, तो क्यूपिड का स्टॉक का जो प्राइस है अभी ये देख सकते हो 85 रुपीज के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा। आज यहाँ पे 1.78% यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप यहाँ पे 2308 करोड़ के आसपास है, और इस साल इसका जो हाई था वो 142 के आसपास था, और इस साल का जो लो था वो 18.1 के आसपास था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं लगता है, और बुक वैल्यू भी देखा जाए तो बुक वैल्यू यहाँ पे 7.65 रुपीज के आसपास यहाँ पे स्टॉक की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो प्रोवाइड करता है वो 0.29% है, और अपने कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट करता है वो 22% है। इक्विटी पे 17% फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे एक देखने को मिल रही है। बेसिक डिटेल ये जो है क्यूपिड के स्टॉक से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिल जाएगी। बट अगर आपको डेप्थ में जानना है तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे, 5 साल का चार्ट लगाइए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जहां 11 पे ट्रेड हो रहा था वो कहां तक चला गया था, ये देख सकते हैं 75 तक, यानी 7.5 गुना ज्यादा यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला गया था, जो कि लास्ट 5 साल का है, और लास्ट 10 साल का भी देखेंगे तो 14.5 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो ये देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा खासा ड्रास्टिकली जंप हुआ, क्योंकि प्राइस में बहुत ज्यादा एक्शन हुआ, ये मैनिपुलेट किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब ये कैसे पता चलेगा मैनिपुलेट किया जाता है, देखो प्राइस में इतना ज्यादा जंप हुआ अगर बात करें यहाँ पे 5 साल की चार्ट की, तो 5 साल के चार्ट में एक कांस्टेंट रेंज पे ट्रेड हो रहा था और एकाएक प्राइस में एक जंप होने लगा। जंप होने के बाद फिर ये रिट्रेस के लिए आया, फिर से नीचे ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो क्या इनकी सेल्स बढ़ी है, जो 18 रुपए से डायरेक्टली 140 रुपए तक पहुंच गया, तो इनकी क्या सेल्स बढ़ी है क्वार्टर के रिजल्ट से पता चल जाएगा। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो क्यूपिड का जो सेल्स है वो करीबन 44 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे इनकी सेल्स है। पहले कितनी थी, 42 करोड़ के आसपास, 35 करोड़ के आसपास, 36 करोड़ के आसपास, तो सेल्स में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि मार्च क्वार्टर से सेल्स में ड्रॉप ही दिखाई पड़ रहा है, बट जून और जून क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। क्या प्रॉफिट 2-3 गुना हो गया है, तो वो चीजें भी देख सकते हो। प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट क्वार्टर यहाँ पे मार्च में जो था 33-34 करोड़ के आसपास था, अभी 11 करोड़ के आसपास आ गया है। जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो जून क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। जून क्वार्टर 23 में जो हुआ करता था 3.34 करोड़, अभी करीबन 11.55 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जंप हुई है, बट इतनी ज्यादा जंप नहीं हुई है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस 10 टाइम्स हो जाए। नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 8.26 करोड़ हुआ है, जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 23.72 करोड़ था। तो ये अभी यहाँ पे वेरिएशन इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि सीजन यहाँ पे जो इनका पीक सीजन होता है, यहाँ पे क्या बोले, एक्चुअली ये कंडम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो यहाँ पे जो ज्यादा सेलिंग का पोर्शन होता है उस टाइम पे जहाँ पे सेल्स सबसे ज्यादा होती है, वो अगर आप देखोगे तो मार्च क्वार्टर के आसपास ही यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो ज्यादा होती है। ईयर वाइज भी अगर इसको हम देखें तो ईयर वाइज यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ी है, बट ईयर वाइज क्या प्रॉफिटेबिलिटी इतना ज्यादा बढ़ गया है, नहीं। देख सकते हैं 2020 में भी 40 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी था,
अभी भी 40 करोड़ के आसपास ही है और TTM में ट्रेलिंग 12 मंथ में 46 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है बट शेयर प्राइस में ड्रास्टिकली जंप हो गया है। उस टाइम भी सेल्स कितनी थी 2020 में 160 करोड़ के आसपास, अभी 186, तो डबल ट्रिपल तो हुआ नहीं है, ना सेल्स हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, तो शेयर प्राइस में एक्शन इतना ज्यादा क्यों हुआ? ये सिर्फ ऑपरेटर ड्रिवन है, ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे ऑपरेट किया गया है। रिजर्व भी देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, 192 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनके पास रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो क्लियर कट आइडिया आएगा, इन्वेस्टर में जाते हैं यहाँ पे आइडिया आएगा। प्रमोटर के पास कितना माल है 44%, FII के पास जहां पे माल नहीं था FII ने जम के बाइंग किया, ये देखो यही मैनिपुलेट किया जाता है। DII के पास कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास जो था पब्लिक से माल छीना गया तो शेयर प्राइस में यहाँ पे जंप किया गया। और 18 रुपए की प्राइस पे जो यहाँ पे FII बाइंग किया होगा, अगर हम बात करें इसकी यहाँ पे 18 रुपए की प्राइस पे बाइंग किया होगा और 140 पे माल चिपकाया होगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा FII प्रॉफिट बनाया होगा 2x 3x। तो अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया था FII ने वो तो निकाल लिया उसने, सिर्फ उसका क्या है प्रॉफिट ही पड़ा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकाल लिया उससे बल्कि, बट थोड़ा सा पोर्शन प्रॉफिट का छोड़ दिया कि उसका स्टेक बना रहे। इस कारण से यहाँ पे पूरा का पूरा माल चेपा जा रहा, धीरे धीरे करके चेपा जा रहा, फिर थोड़ा सा ऊपर की जा रहा, फिर से रिटेल को माल चपकाया जा रहा। ये कैसे पता चलेगा? ये आने वाले जो क्वार्टर है उसमें जब शेयर होल्डिंग बढ़ने लगेगा तो पता चलेगा कि आपको के बड़े प्लेयर द्वारा क्या है माल छोड़ा जा रहा और रिटेलर को फंसाया जा रहा। हमने पहले भी वार्न किया था कि ऐसे स्टॉक पे निवेश ना करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहां पे अच्छे खासा यहां पे रिटर्न जनरेट हो सकता है और क्वालिटी वाले हैं जिनके फंडामेंटल क्वार्टर के रिजल्ट अपसाइड कंटिन्यूसली यहां पे जा रहे हैं, तो उन स्टॉक में निवेश करना चाहिए, ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। अभी इसका जो सपोर्ट है 85 का, ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है 43-44 के आसपास निकल के आ रहा, यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया था दोबारा, तो वो सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट है जस्ट हाफ यहाँ से होने वाला है स्टॉक अगर 85 का लेवल तोड़ा तो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें। ये स्टॉक को मैं यहाँ पे 110 के प्राइस से कवर करता आ रहा हूँ, हमने स्टॉक रिसर्च सेंटर में भी यहाँ पे इसको कवर किया है, तो उस टाइम पे हमने 110 पे बोला भी था कि यहाँ पे इस स्टॉक में जो निवेश किए हैं वो एग्जिट ले लें, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। बट कुछ लोग यहाँ पे उस रिस्पांस को हमारे पॉजिटिव समझे और कुछ लोग यहाँ पे निगेटिव वे में लेके गए, नहीं यहाँ से फिर से 140 जाएगा, तो हम कहें कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। हमारा ओपिनियन यहाँ पे स्टॉक में बेयरिश था, बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता, बट क्योंकि इसके फंडामेंटल जो फाइनेंशियल है वो यहाँ पे इस वैल्यूएशन पे स्टॉक को रहने नहीं देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बोला।